Good morning to all of you. Student, myself, Pratima, your new teacher. Today I will teach you how to make flour from cotton. बेटा मैं आज आपको फ्लावर बनाना बताऊंगी, सिखाऊंगी कि कैसे बनता है कॉटन से फ्लावर. ओके, इसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए? ये देखिए, कॉटन, देन सेकेंड फेविकोल. सिर्फ दो ही मटेरियल से आपको ये फ्लावर बन जाएगा. तो आप इसको स्क्रैप बुक पे बनाइए. यदि आपके पास स्क्रैप बुक बेटा नहीं है तो आप ड्राइंग के पेज पे भी बना सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट, आइए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, ये देखिए, ये कॉटन है आपका और ये फेविकोल है. आपको आज मैं फ्लावर बनाना सिखाने जा रही हूँ. ओके, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैम कैसे फ्लावर बना रही हैं. ठीक, पहले आप लोग बीच में सेंटर में फेविकोल लगाएंगे. ओके, फिर उसके ऊपर आप लोग कॉटन लगाएंगे सेंटर में. ठीक, फिर आप लोग साइड साइड में गम लगाएंगे. ध्यान से आप लोग देखिएगा, आप लोग को भी इसी तरीके से अपने स्क्रैप बुक में बेटा बनाना है. आपके पास कॉटन तो होगा ही. जब आपको चोट लगती है तो मम्मी क्या लगाती हैं? कॉटन लगाती है ना. उसी तरीके से आपको इस पे भी आज मैं कॉटन का यूज बता रही हूँ. फ्लावर बनाते समय कैसे बनाया जाता है, ये देखिए फ्लावर बन रहा है ना. चारों साइड से आपको सर्किल बनाना है. आपके पास यदि फेविक स्टिक होगा बेटा तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं फेविकोल के जगह पर. ठीक है, फेविकोल से लेकिन बहुत अच्छे से पेस्ट हो जा रहा है. देखिए, मेरा कंप्लीट होने वाला है फ्लावर. ये देखिए, फ्लावर कंप्लीट हो गया ना. चारों साइड से मैंने फ्लावर बना दिया. अब मैं इसका ब्रांच बनाऊंगी. ये देखिए, इसकी डंडी बनाना है. फिर इसको आप लंबे में गम लगाएंगे. ये देखिए, आपकी हो गई फ्लावर की ब्रांच. अब मैं आपको क्या बनाऊंगी बेटा? लीफ बनाएंगे, पत्तियां. ओके, अब मैं आपको ये यहाँ पे आपको लीफ लगाना है. ओके, पहले गम लगा लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा आप लोग शेप में काटिएगा लीफ को. ठीक है, लीफ के आप लोग पेरेंट्स के हेल्प से इसको बनाइएगा. ओके, पापा मम्मी आपके कट कर देंगे, आप लोग पेस्ट करिएगा, मैं सबका चेक भी करूंगी. ये देखिए, थोड़ा सा लीफ के शेप में है ना, जरा सा. ये देखिए, आपका फ्लावर बेटा कंप्लीट हो गया. ओके, आपको भी ऐसे बनाना है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.